हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर एडिंस बनाना। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन एक दफा अगर आप सीख जाएंगे तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, आइए पहले हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट वैल्यूज रखे हैं। अभी मुझे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली हम लोग ऐसा कुछ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल्स अपर और उसके बाद ये C2। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम लोग नीचे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब इसको वापस से यहां लाना है, चूंकि इसी को कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहां पे आप पेस्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट करके आप चले आएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर। पेस्ट स्पेशल में आप वैल्यूज सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तब जाके देखिए आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब आप इसको मिटा देंगे। अभी देखिए आपका ये जो है कंप्लीट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है अपर केस में। ये लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए, अभी मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ लोअर केस में। मैंने एडिंग्स बना के रखे हैं। सबसे पहले जितने सेल्स के वैल्यूज को आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, आपको उतना सेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए, मैंने अपना एडिंस माई एडिंस 1 के नाम से बना के रखा है। यहाँ पे मैंने 4 एडिंस बनाए हैं। सपोज मैं लोअर पे क्लिक करता हूँ, देखो जैसे ही मैंने लोअर पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली सारा लोअर पे में कन्वर्ट हो गया। कोई फंक्शन यूज नहीं करना है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है। प्रॉपर पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये प्रॉपर हो गया। अपर पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये अपर हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि हर एक सेल के वैल्यू को ये डिस्प्ले कर दे, जो सेलेक्टेड सेल से उसके वैल्यूज को, तो डिस्प्ले सेल वैल्यू पे मैं क्लिक करता हूं, देखो 1 बाय 1 सारे वैल्यूज यहां पे एक डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मैंने कैसे किया, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज का जो ये वीडियो है एक्सेल के अंदर, ये कस्टम एडिंस बनाने के सीरीज का पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस सीरीज में के लास्ट तक बने रहोगे। बहुत ध्यान से एक एक वीडियो को आप लोग देखोगे। इस सीरीज से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं आने वाले दिनों में पोस्ट करूंगा, ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए, आपने एक्सेल खोल के रखा हुआ है, सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट है कि ये डेवलपर टैब सामने होना चाहिए, लेकिन बहुतों के पास ये डेवलपर टैब नहीं होता है। इसे कैसे लाया जाएगा, देखिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, चले आना है ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइज में कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मिलेगा। यहां देखो ये डेवलपर टैब जो है ना, मैंने चेक किया हुआ है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे, ओके कर दोगे, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, तो आपके सामने ये चीज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, डेवलपर टैब नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आप लोग कर लेना। फाइल में जाना, ऑप्शन में जाना, यहां पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करके यहां से डेवलपर को चेक कर लेना। ओके, ये आ गया। अभी आपको सबसे पहले डेवलपर में जाना है और यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे, देखो आपके सामने ये ऐसे ब्लैंक स्क्रीन खुलेगा। इस ब्लैंक स्क्रीन में अब आपको मैक्रो बनाना है, तो चलो मैं मैक्रो बनाता हूं। मैं यहाँ पे, मुझे 4 मैक्रो बनाना है। एक बहुत ध्यान से इसको समझोगे, थोड़ा सा कोडिंग स्किल आना चाहिए, बहुत आसान है, बिल्कुल इंग्लिश भाषा की तरह है। सपोज मैंने बना लिया डिस्प्ले ऑल वैल्यूज, ये मेरा पहला मैक्रो है, या डिस्प ऑल वैल्यूज, ऐसा कुछ भी आप नाम अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑल वैल्यू। यहां पे आपको एक लूप चलाना होगा फॉर ईच सेल इन सिलेक्शन, मतलब कि एक्सेल में मैंने जितना भी सेल सेलेक्ट किया है ना, उस पर आप लूप चलाओ। नेक्स्ट सेल से ये बंद होता है और सिंपली MSG बॉक्स में आपको लिख देना है सेल डॉट वैल्यू। हो गया। अभी आप इसको चेक करो। चेक कैसे करना है, तो ये मैंने मैक्रो बनाया है डिस्प्ले सेल वैल्यू के लिए, तो इसके अंदर आपको कर्सर को रखना है और यहाँ अल्ट टैब से मैं यहाँ आ जाता हूँ वर्कशीट पे, मैंने इतना सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं वापस से अल्ट टैब में आके यहाँ देखो F5 बटन दबाता हूँ या प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो 1 बाय 1 ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपका मैक्रो ठीक ठाक बन गया। ओके, अभी हम लोगों को एक दूसरा मैक्रो बनाना है अपर। यहां भी मैं यही लूप लिखूंगा फॉर ईच सेल इन सेलेक्शन। ओके, जो कि नेक्स्ट सेल से बंद हो जाएगा, नेक्स्ट सेल से बंद हो जाएगा। अभी यहां आपको लिखना है कि सेल डॉट वैल्यू में आप रखो यू केस, इसके अंदर आप सेल डॉट वैल्यू को पास कर दिया आपने, मतलब आप कह रहे हो देखो यहां पे यू केस
एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सेल डॉट वैल्यू जो मैंने एज एन आर्गूमेंट एज अ पैरामीटर पास किया है उसके वैल्यू को जो है ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। बाकी का काम तो मैंने किया, भाई अपर केस में जो भी कन्वर्ट हो गया है आप उसको सेल डॉट वैल्यू में रख लो। देखो ये काम कर रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बीच में ही, यहाँ आके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और वापस से यहाँ प्ले पे क्लिक करता हूँ, देखो अपर केस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये मैक्रो भी आपका सक्सेसफुली बन गया। इसी तरह से आप एक बना लो लोअर, ओके यहां पे आप एल केस लगा दो, बस सिंपल है, एक छोटा सा डिफरेंस है, यू केस से अपर केस में कन्वर्ट होगा, एल केस से लोअर केस में कन्वर्ट होगा। अब सब यहां पे आप एक प्रॉपर बना लो, प्रॉपर बना के यहां पे आपको अगेन लूप चलाना है, लेकिन यहां पे है क्या ना कि प्रॉपर केस के लिए कोई फंक्शन यू केस या एल केस टाइप कोई पी केस है नहीं, तो आपको यहां पे लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट प्रॉपर और यहां पे आप सेल डॉट वैल्यू को आप पास कर दोगे। ठीक है, अभी ऐसा आपने कर दिया, चलो अभी आपको यहां से फाइल में जाना है, सेव करना है इसको एडिंस के अंदर में, या आप कहीं और भी अगर सेव करना चाहते हो आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहां पे कोई नाम डालोगे, जैसे मैंने डाल दिया चेंज केस, ओके चलो चेंज केस मैंने डाला, चेंज केस एंड डिस्प ऐसा कुछ मैंने डाल दिया, यहां टाइप में मैंने सेलेक्ट किया एक्सेल एडिंस, यही आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल एडिंस। जैसे ही आप एक्सेल एडिंस सेलेक्ट करोगे, देखो ये सी के अंदर यूजर्स के अंदर जो भी यूजर में आप लॉग इन किए रहोगे उसके अंदर ऐप डेटा के अंदर रोमिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एडिंस के अंदर आ जाएगा, आपको सिमिलरली इसको बस सेव कर लेना है। ओके अभी आपने ऐसा कर लिया, अब एक नया वर्कबुक आपको ओपन करना है कंट्रोल एन से, यहां पे ये तो मैंने माई एडिंस अपना बना के रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि माई एडिंस तो चलो है यहां पे, मैं अपना माई ऑप्शंस करके मैं बनाना चाहता हूं यहां पे टैब, चलो तो यहां मैं जाऊंगा फाइल में क्लिक करूंगा, यहां से ऑप्शंस में आऊंगा, यहां से कस्टमाइज रिबन है यहां पे आना होगा आपको, और यहां से एक नया टैब आप बना लो, नया टैब जैसे ही बनाओगे देखो ये न्यू टैब आ जाएगा, इस पे अपोजिट क्लिक करना, रीनेम करना, यहां पे मान लिया माई ऑप्शंस ऐसा मैंने कुछ नाम रख दिया इस टैब का। ओके अभी एक ग्रुप आपका यहाँ बना हुआ है, अपोजिट क्लिक करो, रीनेम करो, मान लो ये डिस्प्ले डिस्प्ले के लिए, इसके लिए एक अच्छा सा आइकन आप सेलेक्ट करके ओके कर लो, ये तो हो गया। एक नया ग्रुप फिर बनाओ, इस पे अपोजिट क्लिक करके रीनेम करो, चलो इसका नाम मैंने रख दिया अपर, इसके लिए एक अच्छा सा आइकन सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। फिर एक नई न्यू ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, एक नया ग्रुप यहाँ बना, इस पे रीनेम किया अपोजिट क्लिक करके, इसका नाम मैंने रख दिया लोअर, इसके लिए भी एक अच्छा सा आइकन मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। इसी ढंग से फिर से न्यू ग्रुप पे क्लिक करके एक नया ग्रुप बनाया, क्योंकि मेरे पास एक और मैक्रो है प्रॉपर के लिए, और इसके लिए भी एक आइकन सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। अभी इन सारे ऑप्शंस में आपको क्या करना होगा, इन सारे ऑप्शंस में आपको ऐड करना होगा मैक्रो। आप सबसे पहले जो आपने एडिंस से आप यहां पे जाओ गो पे क्लिक करो और यहां से ब्राउज करके आप अपने एडिंस को जो आपने बनाया था चेंज केस एंड डिस्प इसको सेलेक्ट करके ओके कर लो, और उसके बाद ओके कर लो, ये आपका एडिंस आ गया है। ठीक है, आप चाहो तो यहां देखो डेवलपर टैब से भी आप एक्सेल एडिंस के जरिए वहां जा सकते थे, कोई बात नहीं, आप यहां से अगेन चले जाओ ऑप्शंस के अंदर और यहां कस्टमाइज रिबन में, यहां पे चूंकि मैंने जो अभी जो टैब बनाया था जो उसके अंदर ग्रुप बनाया था, चूंकि मैंने यहां से एडिंस मैंने क्लिक करके वहां मैं चला गया इसीलिए वो हट गया, आप अगेन वैसे ही प्रोसेस करके बना लेना जैसे कि मैंने यहां पे बना के रखा हुआ है। अभी डिस्प्ले सेल वैल्यूज जो है आप इसको सेलेक्ट करो और देखो यहां से ये बनाने के बाद आपको करना क्या है, यहां से आपको मैक्रो सेलेक्ट करना है, जैसे ही मैक्रो सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो भी मैक्रो आपका डेवलप्ड मैक्रो है क्रिएटेड मैक्रो वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ ऐड कर लेना है ना। यहाँ पे ये डिस्प्ले वैल्यू को मैंने ऐड किया, यहाँ से पहले से मैंने एक ऐड किया हुआ था इसको मैं अपोजिट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ, चलो ये अपर के लिए भी मैंने पहले से ऐड किया हुआ है मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ,
इस तरह से आप लोग सीख जाओगे कि अगर पहले से कोई एडेड है तो कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये सारा मैंने रिमूव कर दिया, अभी सिर्फ डिस्प्ले में मैंने ऐड किया। अभी देखो अपर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें कोई भी मैक्रो एडेड नहीं है, और यहाँ से अपर का जो मैक्रो है वो मैं सेलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। सिमिलरली लोअर को मैं सेलेक्ट करके लोअर वाला मैक्रो ऐड कर लेता हूँ, और प्रॉपर को सेलेक्ट करके प्रॉपर वाला मैक्रो मैं ऐड कर लेता हूँ। देखो ऐसा कुछ लुक आ जाएगा, ये सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। और आप चाहो तो आपने किस में क्या ऐड किया है वो देखने के लिए आप सिंपली यहाँ क्लिक करके देख सकते हो कि सब में सही से अपर में अपर ऐड है या नहीं, ऐसा कुछ। उसके बाद फाइनली आपको ओके कर लेना है। अभी देखो आपका यहाँ माई ऑप्शंस आ चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि कुछ टेक्स्ट वैल्यू मैं टाइप करता हूँ जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए थे, चलो यहाँ पे मैंने रख दिया। अभी मैं चाहता ये हूँ कि ये सारा जो है कन्वर्ट हो जाए लोअर केस में। तो आपका माई ऑप्शंस है, यहाँ पे ऑप्शंस आपका आ चुका होगा जैसे यहाँ पे आया हुआ है, बस आपको यहाँ लोअर पे क्लिक करना है, ये लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉपर पे क्लिक करना है, ये प्रॉपर पे कन्वर्ट हो जाएगा, अपर पे क्लिक करना है, अपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिस्प्ले वैल्यू जब क्लिक करेंगे तो देखो सारा वैल्यू यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक्सेल में अपना एडिंस बनाने का ये पहला वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों अब आप लोग भी एक्सेल में बहुत आसानी से अपना एडिंस बना सकोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हैं और चाहते हैं कि इस एक्सेल के एडिंस सीरीज का एक भी वीडियो मिस ना हो, तो अपने इस यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग वीडियो को मिस नहीं करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।